नमस्ते, मैं अनिता बलूर। अनिता बलूर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे हलीम, हलीम के बीज का लड्डू, इसे मराठी में आड़ू भी कहते हैं। हलीम के बीज को मैंने अच्छा साफ करके और इसको पानी में एक कटोरी, ये वाली कटोरी से मैंने एक कटोरी बीज लिए और इसको पानी में 5-6 घंटे के लिए मैंने गला दिए थे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, एक बर्तन लेंगे और एक बर्तन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। और इसको हलीम के बीजों को डाल देंगे। इसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी नारियल का बुरादा और इसी में हम डालेंगे 1 कटोरी गुड़। और गैस को चालू करेंगे और इसे हम पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे जायफल। जायफल हमेशा ऐसा बंदा ही जायफल ले बाजार से लाते समय, खुला ना लाए। बस थोड़ा सा ही डाले। और हमने बादाम के टुकड़े लिए हैं, बादाम के टुकड़ों को डाल दूंगी मैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब हम कोई भी चीज़ मीठी बनाए तो थोड़ा नमक डालें तो और स्वाद बढ़ जाता है। हम गुड़ कम या ज़्यादा हमारे स्वाद अनुसार हम डाल सकते हैं। हलीम के बीजों का हलीम के लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें हमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है, पर हम स्वाद अनुसार इसे इसमें काजू बादाम वगैरह डाल सकते हैं। और न्यू माँ के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये गर्म होता है और ठंड के दिनों में सभी महिलाओं ने या फिर छोटे बड़े सभी घर के सभी लोगों ने इसे खाना चाहिए। देखिए प्यान छोड़ दिया है और अब हम करेंगे गैस को बंद। जो हमने 1 चम्मच घी डाला उससे हमारे लड्डू में ये शाइन आती है, इस वजह से मैंने घी डाला है। और ठंडा होने के लिए रखेंगे गैस को, करेंगे पहले बंद। होने के बाद में हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद में हम लड्डू बनाएंगे। ऐसे नारियल में लपेट के मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये हलीम के
लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसे सभी ने खाना चाहिए। देखिए हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको आज के हलीम के लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।